आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारा समय आपका समय काफ़ी ज़्यादा कीमती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, दो हेलोजन तो डाई हेलो एल्केन, और यदि हेलोजन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है तो उसे मोनो हेलो एरीन कहा जाएगा। दो हेलोजन जुड़े हैं तो डाई हेलो एरीन, तीन तो ट्राई हेलो एरीन। दूसरा क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इसमें सबसे पहले आता है एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स तो सिंपल हेलो एल्केन्स को कहा जाता है। इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड्स। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो तो उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या है कि एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं हेलोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन फर्दर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। सिंपल याद रखिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा तो एलाइलिक हैलाइड, और बेंजाइलिक हैलाइड में रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा। अगला क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जिसमें विनाइलिक हैलाइड्स आता है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ही यदि हेलोजन जुड़ा हो तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे, और एक एराइल हैलाइड होता है यदि बेंजीन रिंग से सीधा हेलोजन जुड़ा हो तो उसे एराइल हैलाइड्स कहा जाता है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर्स आ जाते हैं, जैसे कॉमन नेम है एलाइलिक यानी एल्काइल ग्रुप है तो फॉलोड बाई हैलाइड्स। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑर्थो, पैरा, मेटा, इनका इस्तेमाल किया जाता है। IUPAC का नाम जो है न्यूमरल्स आर यूज्ड, नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलराइज्ड होता है। कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने हेलो एल्केन्स की। अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो गई है वो हेलो एल्केन्स के बाद गई है। तो हेलो एल्केन्स की बात कर देते हैं सबसे पहले इनके प्रिपरेशन के बाद। तो हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल्स, जैसे ROH+HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये बन जाता है RCl+H2O। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को लूकास रिएजेंट कहा जाता है। 3RO+PX3, तो ये बन जाएगा RRX+H3PO3। 3OH RO यानी एल्कोहल प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये बन जाएगा RCl+POCl3+HCl। दूसरी जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहला है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। यहाँ पे सिंपल एक चेन है, देख सकते हैं, अगर इसका हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर दें क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स यहाँ दो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो देख सकते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर सिंपल लग जाता है। तो दूसरा है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ सब्सटीट्यूट करता है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलविन है, प्लस यहाँ हेलोजन जुड़ा है और डार्क में अगर रिएक्शन हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर रिएक्शन डार्क में होती है तो हेलोजन का अटैक ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर होता है, अगर रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है तो ये हेलोजन सीधे CH3 पर अटैक करता है। तब वहाँ हम पहला मेथड अपनाते हैं जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो जाता है। सी की बात करें तो सैंड मेयर्स रिएक्शन होती है। एनिलीन जो होती है, एनिलीन से हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले N2X बना लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम HX से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन होता है। तो सबसे पहले बेंजीन N2X होता है, फिर इसकी रिएक्शन Cu2H2 से करा देते हैं कॉपर पाउडर। तो मतलब कि यहाँ बन जाता है हमारा बेंजीन के ऊपर X लग जाता है और N2 बाहर निकल जाता है। तो ये बन जा क्या बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया। डी है फ्रॉम एल्कीन्स, तो एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ मार्कोनिकॉफ्स रूल लग जाता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जगह नेगेटिव पार्ट चला जाता है, एक जगह हाइड्रोजन चला जाता है। ये तो सिंपल है, इसलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं लगा है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहता तो लगता। अब जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2+Br2 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या होते हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे जाके लग जाते हैं और यहाँ एक विसिनल वाला केस आ जाता है। तो आगे चलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज होता है। हेलोजन एक्सचेंज में एक सबसे पहली रिएक्शन फिंकलस्टाइन आती है, जिसमें हम RX की रिएक्शन NaI से कराते हैं तो Ri+NX बनता है। एक स्वार्ट्स रिएक्शन भी होती है जिसमें हम हेलो एल्कीन की रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड से करते हैं, तो वहाँ पे आप जानते हैं सारी चीज़ें। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है, ये कलरलेस होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, स्वीट स्मेल होती है इनकी। लोअर मेम्बर्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, वायर हायर आर सॉलिड्स। लोअर मेम्बर्स जो होते हैं वो गैसियस होते हैं और हायर मेम्बर्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट RI का होता है, फिर RBR, RCL, RF का।
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो पैरा आइसोमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, पैरा वाले जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको बताया था ऑर्थो और मेटा के अकॉर्डिंग। डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है अगर नंबर ऑफ़ कार्बन या हेलोजन एटम्स बढ़ते हैं, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, और जब नंबर ऑफ़ कार्बन हेलोजन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। सोलिबिलिटी जो है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाता है और ये एक्स नेगेटिव बनेगा। अब SN2 रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होती है वो जानते हैं। देखिए SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें मैटर क्या करता है, उसमें मैटर करता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होती है वो होती है प्राइमरी सबसे कम रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी जो रिएक्शन होती है टर्सरी सबसे कम, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ कि SN1 मैकेनिज्म में टर्सरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी, और SN2 मैकेनिज्म में इसका उल्टा होता है, 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, बस आप इसे ध्यान दीजिएगा। आगे दूसरी रिएक्शन देखी जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि बीटा, मतलब एक बेस है, बी बेस है, एक्स लिविंग ग्रुप है। एलिमिनेशन के बाद क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है सिंपल, जैसे कि ये बॉन्ड टूट जाता है। अगर अल्फ़ा कार्बन की बात की जाए तो ये बॉन्ड टूट जाता है और एक्स नेगेटिव बनता है, और ये जो बॉन्ड है ये एल्कीन बन जाता है। बी एक बेस है और एक्स लिविंग ग्रुप है। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। तो जब हम रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। देख लीजिए यहाँ पे एक वुड्स रिएक्शन भी होती है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि हम 2RX की रिएक्शन 2NA से कराएंगे तो यहाँ पे RR मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कार्बन की संख्या डबल हो जाती है और 2NAX मिल जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसी में एक अगली लाइन जो हेलो एल्केन्स में जाती है वो है हमारी रेसमाइजेशन SN1। यहाँ दो पॉइंट्स लिखे गए हैं, काइरल और अकाइरल। काइरल कार्बन उन्हें कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स काइरल कहलाते हैं जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। और एक काइरल कार्बन होता है यदि कार्बन के चारों बॉन्ड्स अलग अलग कंपाउंड से जुड़े हैं, अलग अलग चीज़ें जुड़ी हैं, तो उसे हम काइरल कार्बन कहेंगे। अकाइरल किन्हें कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इम्पॉसिबल, तो उन्हें अकाइरल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन पॉइंट्स देखा। अब चलिए चलते हैं हम हेलो, सबसे पहले हम SN2 स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन की बात कर लेते हैं। तो एक होता है डेक्स्ट्रो जिसे प्लस डी या प्लस या डी से डिनोट करते हैं, एक होता है लेवो जिसे नेगेटिव या एल से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेलो एरिन्स की, फिर बात करेंगे हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की। हेलो एरिन्स लाइन यहाँ गई है, सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो हेलो एरिन्स की रिएक्शंस में आती है सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रेजोनेंस इफेक्ट आप जानते हैं कि इसमें रेजोनेंस होता है, कार्बन से मतलब इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनता है, ये चीज़ आप जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन SP3 है, हेलो एरिन का, हेलो एरिन में क्या होता है कि SP2। तीसरी बात की जाए तो फिनाइल कैटायन जो होता है वो अनस्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस की वजह से। तो अगर यहाँ जैसे बेंजीन के ऊपर Cl लगा है NaOH और H+ के प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ फिनॉल बन जाता है। ये यहाँ ड्रास्टिक कंडीशंस ली गई हैं, आप देख सकते हैं 60 यानी 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर लिया गया है। देख रहे हैं मतलब कि ये फिनाइल कैटायन जो है वो यहाँ पे इस पे OH लग गया। अब अगर आगे देखें बेंजीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन NaNO2 से कराई जाएगी तो क्या बनेगा, बेंजीन Cl है, NO2 है, NO2 क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा क्लोरीन के ऊपर यहाँ सीधे OH जा कर के लग जाता है। तो उसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई जाएगी एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन का अटैक हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराई जाएगी, तो NO2 का अटैक होगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर। इसकी रिएक्शन कराई जाएगी H2SO4 से, हीट किया जाएगा तो SO3H का अटैक होगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे। ये कंपाउंड्स आप देख सकते हैं लिखा गया है। फिर आता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस में एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम CH3Cl से अटैक कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो CH3 का अटैक होता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर। और एसाइलेशन में हम CH3COCl से अटैक कराते हैं तो इसका अटैक होता है CO, मतलब कि OCH3 का अटैक होता है। यहाँ CH3C(O)Cl आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा लिखा गया है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे यहाँ क्या लग जाएंगे, OCH3 लग जाएगा सिंपल।
तो बस इसी के साथ लास्ट वाला पॉइंट इसमें आता है रिएक्शन विद मेटल, जिसमें एक आती है वुड्स फटीग रिएक्शन। वुड्स फटीग रिएक्शन में हम एक हेलो एल्केन लेते हैं और एक हेलो एरिन लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं मेटल से। तो हम क्या देखते हैं कि जो आर है वो इस बेंजीन के साथ लग जाता है और 2NaX बनता है, और इसे हम ईथर के प्रेजेंस में कराया गया है। यहाँ फटीग रिएक्शन की बात की जाए तो फटीग रिएक्शन में क्या होता है कि वही टू, यहाँ एक हेलोरिन लिया गया है प्लस NaX, तो ये सोडियम जो होता है वो एक्स के साथ जुड़ जाता है, NaX हो जाता है, बायोफिनाइल बनता है। ये बायोफिनाइल है, जब दो बेंजीन लगे होते हैं बायोफिनाइल कहा जाता है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बहुत से हेलोजन होते हैं। एक होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये सॉल्वेंट होता है फॉर फैट्स, एल्कोहलाइड्स, IETC, फ्रॉन्स के प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है आयोडोफॉर्म, CHI3, क्लोरोफॉर्म की ही तरह आयोडोफॉर्म इज़ एन एंटीसेप्टिक। फिर आता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड यानी कि CCl4, इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स या क्लीनिंग फ्लड। और फिर है फ्रियॉन्स फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स एंड एयर कंडीशनिंग पर्पसेस। और एक DDT होता है, DDT का फॉर्मूला क्या होता है, नाम पूरा क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक इंसेक्टिसाइड की तरह इसका इस्तेमाल होता है, पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, मेटल क्लिनजिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट्स। ये डाइक्लोरोमीथेन का काम होता है, DDT तो एक इंसेक्टिसाइड है। तो बस ये थी हमारी पूरी की पूरी वीडियो, 12 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।